हम सब जानते हैं कि कर्नाटक भारत की एक भाव भूमि है। मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आया हूं और कर्नाटक प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त उनके सहयोगी श्री हनुमान की पावन जन्मभूमि है। हजारों वर्षों से कर्नाटक और उत्तर प्रदेश एक अनन्य भाव के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ भारत अच्छा नहीं लगता, आज वे सभी कहीं न कहीं एक और कर्नाटक में पीएफआई जैसे संगठनों को उन्मुक्त करके समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद के लिए समर्पित अपनी सामाजिक सेवा के लिए जगविख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार